अंकल अंकल देखिए मेरी बात सुने, आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले थे। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कम ऑन सारा, अब मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं समझी। अम्मा का फोन आया था कि तुम मामू के सामने नहीं आओ। ऐसा मामू ने कहा है अम्मा को कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहते। दूर था के जो पास हम सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। तुम एक दफा बात तो करके देखो, उसके दिल में जो भी गलत फहमी है, वो भी बात है, सब दूर हो सकता है। अच्छा कहती हो तो मैं वहां से बात करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस मंगनी को मत टूटने देना सारा, प्लीज। खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं, असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ हों और एक दूसरे को कभी ना छोड़ें, क्योंकि जब अपनों का साथ होता है ना तो दुख दुख नहीं रखता। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब जानते हैं ना, ये रिश्ता तो वहाज की मर्जी से हुआ था। अब अगर वहाज ही इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो कोई क्या कर सकता है। ये लो तुम्हारी आवाज। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे अम्मू, मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मू, बाहर ये सब झूठ है यार। साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना।